हेलो दोस्तों, अभी हम लोग डीएसएस पढ़ रहे थे और डीएसएस में न्यूमेरिकल सेशन चल रहा था, तो वही न्यूमेरिकल सेशन को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। ये पिछले वीडियो भी हम लोग न्यूमेरिकल भी पढ़े थे, उसमें हम लोग रिबेट का जो कनेक्शन होता है उसका स्ट्रेंथ के बारे में पढ़े थे। आज भी हम लोग स्ट्रेंथ निकालना सीखेंगे, रिबेट वैल्यू निकालना सीखेंगे, उसका इफिशियंसी निकालना सीखेंगे और इसी को हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। और अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर पुराने हो, पुराने लोग वीडियो देख रहे हो तो लाइक कर दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगता हो, और ज्यादा और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट में आप लोग को सब चीज का वीडियो मिल जाएगा, डीएसएस का, टॉस का, सोम का, हाईवे का, हर एक का वीडियो आप लोग को मिल जाएगा वहां पे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं डीएसएस का, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का न्यूमेरिकल पार्ट। देखिए न्यूमेरिकल आप लोगों को दिख रहा होगा सामने कैमरा में। देखिए न्यूमेरिकल है कि ये 16 mm थिक प्लेट्स, एक 16 mm का थिक प्लेट है, इज ज्वाइंट बाय ए डबल कवर बट ज्वाइंट। देखिए बट ज्वाइंट है और इसमें डबल कवर लगाया हुआ है, यूजिंग 10 mm थिक कवर प्लेट। और देखिए जो मेन प्लेट है वो है 16 mm थिक, और उस और कवर प्लेट है वो 10 mm थिक है, ठीक। और क्या कवर प्लेट दिया गया है, दो प्लेट, दो कवर प्लेट है, ऊपर नीचे दोनों में है। और वही बोला है, फिर बोला है कि डिटरमाइन द स्ट्रेंथ या रिबेट वैल्यू निकालने के लिए बोला है, और इफिशियंसी ऑफ ज्वाइंट, और इसका ज्वाइंट निकालने के लिए बोला है। और इसमें दे रखा है कि नॉमिनल डाया है 20 mm, और पीडीएस रिबेट्स आर यूज, मतलब पीडीएस मतलब पावर ड्रिवेन शॉप रिबेट आर यूज किया गया है, मतलब पावर ड्रिवेन शॉप रिबेट का यूज किया गया है। और देखिए पावर ड्रिवेन शॉप रिबेट में जो जो डाटा है वो डाटा दे रखा है कि उसमें टीयरिंग स्ट्रेंथ दे रखा है, सॉरी टीयरिंग स्ट्रेस दे रखा है 100 MPa, सियरिंग दे रखा है 100 MPa, और बियरिंग दे रखा है 300 MPa। ये सब हम लोग का स्ट्रेस दे रखा है और हम लोग को निकालना है रिबेट वैल्यू कितना होगा और इफिशियंसी ऑफ ज्वाइंट कितना होगा। देखिए लेकिन इसमें एक चीज आप लोग दिख रहा होगा कि देखिए इसमें ये नहीं बोला है कि मतलब सिंगल रिबेट करना है या डबल रिबेट करना है, ये चीज इसमें कंफर्म नहीं बोला है। और अगर कंफर्म कुछ नहीं बोले तो आप लोग ध्यान में रखिएगा कि देखिए उसको ज्वाइंट करना है तो मिनिमम मतलब कम से कम सिंगल रिबेट तो देना ही होगा, क्योंकि सिंगल रिबेट देंगे तभी ज्वाइंट होगा। चलिए इसका फिगर तैयार करते हैं, इसके बाद आगे सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि फिगर बना लेने के बाद क्वेश्चन बहुत मतलब बहुत आसान हो जाता है। तो जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे फिगर पे काम करेंगे। ये बोला है कि 16 mm थिक प्लेट है, तो पहले हम लोग जिस प्लेट को ज्वाइन करना है उस प्लेट का फिगर बना देते हैं। 16 mm का है और ये है बट ज्वाइंट, तो बट ज्वाइंट बना दिए, ठीक। और इसका थिकनेस है, दोनों का थिकनेस है 16 mm, और इसपे बोला है कवर प्लेट दिया है, डबल कवर प्लेट, मतलब एक ऊपर कवर प्लेट है ऐसे इस टाइप का। पिछले वीडियो में भी शायद इसी टाइप का क्वेश्चन बनाया थे, लेकिन वो अलग टाइप का था, उसमें कुछ अलग अलग वैल्यू था, इसमें कुछ अलग अलग, वो था डबल रिबेटेड था, ये सिंगल रिबेटेड है, ठीक। और इसका थिकनेस हम लोग को दिया है 10 10 mm का, ये थिकनेस है, ये है 10 mm, ये भी थिकनेस है 10 mm, और ये प्लेट का थिकनेस दे रखा है 16 mm, और सिंगल रिबेट बोला है, मतलब इसमें सिंगल इधर भी लगेगा और सिंगल इधर भी लगेगा, सॉरी इसमें कुछ मत बोला है, मतलब तो हम लोग कुछ नहीं बोला, कम से कम मिनिमम तो एक देना ही होगा, इधर हो गया, इधर हो गया, सिंगल एक टाइप सिंगल सिंगल है दोनों तरफ, तो देखिए सिंगल ही हो गया। अब इसको ऐसा कर देते हैं, यही है हम लोग का जो क्वेश्चन बोल रहा था उसका फिगर यही है, और इसी में से हम लोग का वैल्यू निकालना है। तो देखिए जहां जहां इस टाइप का फिगर मिलता है तो सबसे पहले, या इस टाइप का न्यूमेरिकल मिलेगा तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि उसका जो रिबेट हम लोग डाले हैं उसका डाया भी दे रखा था 20 mm का, और ये केवल नहीं दे रखा था कि कै गो रिबेट डाल रहे हैं, तो हम लोग एक एज्यूम कर लिए कि सिंगल रिबेट है। देखिए ये डीएसएस है, इसमें आप खुद से भी एज्यूम कर सकते हैं, अगर बोल दिया तो ठीक है, नहीं बोला तो अपने से एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि डीएसएस
आप अपना एक्सपीरियंस बेसिस पे डिजाइन करते हैं, ठीक, या जैसे हम बना रहे हैं वैसे ही आप नहीं बना सकते, केवल प्रोसेस सेम रखिएगा। आप अपना तरीका से भी डिजाइन कर सकते हैं, दूसरा इंजीनियर अपना तरीका से भी डिजाइन कर सकता है, तीसरा इंजीनियर अपना तरीका से भी डिजाइन कर सकता है, सब इंजीनियर्स जो जो होते हैं अपना अनुसार डिजाइन करते हैं। इसलिए ज्यादा मत सोचिएगा कि वो ऐसे डिजाइन कर रहे हैं तो हम भी वैसा ही डिजाइन करें, केवल प्रोसेस सेम रखिएगा और जो भी वैल्यू लेना है अपने अनुसार एज्यूम करिए, ठीक। तो देखिए इसमें हम लोग को दे रखा था कि नॉमिनल डाया है 20 mm, तो जब नॉमिनल डाया दे रखा है तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं कि इसका ग्रॉस डाया कितना है, क्योंकि हम लोग ग्रॉस डाया पे सब चीज काम करते हैं। तो इसका हम लोग पहले निकाल देते हैं, ग्रॉस डाया मीन्स डीजी। देखिए नॉमिनल डाया है 20 mm, मतलब 25 mm से कम है, तो ग्रॉस डाया कितना बढ़ेगा, 1.5 mm, मतलब 20 + 1.5 बराबर 21.5 mm, ये ग्रॉस डाया हो गया। अब यहां से ग्रॉस डाया हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। जब ग्रॉस डाया मिल गया तो हम लोग क्या काम करेंगे, हम लोग निकाल लेंगे सीयर स्ट्रेंथ कितना दे रहा है, बियरिंग स्ट्रेंथ कितना दे रहा है, और उसमें जो मिनिमम होगा सीयर स्ट्रेंथ और बियरिंग स्ट्रेंथ में उसमें जो मिनिमम होगा वहां से हम लोग को मिल जाएगा रिबेट वैल्यू कितना हो रहा है, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीयर स्ट्रेंथ निकालने के लिए। तो देखिए सीयर स्ट्रेंथ, तो सीयर स्ट्रेंथ बराबर क्या आता है, N1 टाउ वी एफ N2 पाई बाई 4 DG का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आता है, ये हम पहले भी बताए थे। यहाँ N1 है नंबर ऑफ हॉल, टाउ वी एफ मतलब सीयर स्ट्रेस, N2 मीन्स नंबर ऑफ सीयर, और पाई बाई 4 DG स्क्वायर तो एरिया है। तो देखिए यहाँ N1 मतलब नंबर ऑफ हॉल, तो नंबर ऑफ हॉल हम लोग क्या को हॉल किए हैं, एक ही केवल एक रिबेट डाले हैं, तो एक रिबेट का हम लोग हॉल पर बात करेंगे। तो यहां पे हम लोग एक रिबेट का हॉल, यहां नंबर ऑफ हॉल क्या गया है 1, तो नंबर ऑफ हॉल 1 N1 1। और देखिए टाव वी एफ, तो टाव वी एफ कितना 100 MPa, तो 100 N2 मतलब नंबर ऑफ सीयर। देखिए नंबर ऑफ सीयर, मेन प्लेट तो ये वाला है, मेन प्लेट ये है, ऊपर नीचे कवर प्लेट है, ऐसा ही पिछले वीडियो में भी ऐसा ही हम बात किए थे। तो देखिए नंबर ऑफ सीयर मतलब रगड़, ये जो मेन प्लेट है कि कई जगह पे रगड़ा रहा है, तो दो जगह पे, एक ऊपर वाला कवर प्लेट से रगड़ाएगा, एक नीचे वाला कवर प्लेट से रगड़ाएगा। तो जितना जगह रगड़ हो रहा है मतलब नंबर ऑफ सीयर, सीयर मतलब वही होता है रगड़। तो इधर से खींचेंगे तो यहाँ इसका रगड़ होगा, यहाँ रगड़ होगा, तो मतलब नंबर ऑफ सीयर कितना हो रहा है 2, मतलब N2 2 × पाई बाई 4 × DG। डीजी मतलब ग्रॉस डायर, ग्रॉस डायर कितना है 21.5 का स्क्वायर। इसको हम लोग सोल्यूशन करते हैं, यहाँ से इसका वैल्यू निकल के आ रहा है 72610.06 इतना न्यूटन, बराबर इसको हम कर सकते हैं 72.610 इतना किलो न्यूटन। देखिए सीयर स्ट्रेंथ निकल गया, अब हम लोग बियर स्ट्रेंथ निकालते हैं, बियर स्ट्रेंथ, सॉरी बियर स्ट्रेंथ। बियर स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है एन सिग्मा पी एफ डी जी इंटू टी। देखिए एन या नंबर ऑफ फॉल है, नंबर ऑफ फॉल क्या है, एगो है इस, यहाँ देखिए यहाँ पे ज्वाइंट है तो एक साइड इधर है एक साइड इधर, तो इस साइड के बारे में हम लोग ये बात करते हैं। तो यहाँ नंबर ऑफ हॉल कितना होगा, ये गो, तो ये सब प्लान भी बनाएंगे तो वैसा ही बनेगा, प्लान भी बना के आप लोग देख सकते हैं। तो ज्यादा बनाते हैं तो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मतलब हम फ्रंट व्यू पर ही बना के काम कर रहे हैं, समझ जाएगा। तो यहाँ नंबर ऑफ हॉल क्या है 1, और देखिए सिग्मा पी एफ, तो सिग्मा पी एफ हम लोग का 300 MPa है, तो यहाँ सिग्मा पी एफ 300 इंटू डीजी, डीजी हम लोग को दे रखा है 21.5, तो 21.5 इंटू देखिए थिकनेस। अब इसमें यहाँ अब हमको पता करना है कि कौन सा थिकनेस ले। देखिए यहाँ ये मेन प्लेट का थिकनेस है 16 mm, और ऊपर नीचे दो है कवर प्लेट, और ऊपर नीचे कवर प्लेट का थिकनेस 10-10 mm दिया हुआ है। तब यहाँ पर आप लोग को कंफ्यूजन मत आइएगा, मतलब कौन सा थिकनेस ले। देखिए हमेशा और हमेशा मेन प्लेट है, ये मेन प्लेट का ही थिकनेस एज्यूम कीजिए। और देखिए और यहाँ एक और कॉन्सेप्ट होता है थिकनेस एज्यूम करने का, कि जो दोनों कवर प्लेट है वो कवर प्लेट का थिकनेस को ऐड कीजिए। देखिए 10 10 20 mm,
दोनों कवर प्लेट का थिकनेस 20 mm हो गया, और ये देखिए ये प्लेट का थिकनेस 16 mm है। तो इसमें जो मिनिमम होगा दोनों कवर प्लेट के ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगा, और जो मेन प्लेट का थिकनेस होगा उस दोनों वैल्यू में से जो मिनिमम आएगा उसका थिकनेस लेना है। तो देखिए यहाँ वो कंसेप्ट लगाते हैं, तो कवर प्लेट का थिकनेस 10 + 10 = 20 हो रहा है mm, और मेन प्लेट का थिकनेस 16 mm, तो मेन प्लेट का थिकनेस कम है 16 mm, तो यहाँ थिकनेस किसका होगा 16 mm का। ठीक, तो यहाँ हम सबका वैल्यू बैठा देते हैं, बैठा दिए भी हैं, थिकनेस है 16 mm, 16 बराबर इसका हम लोग देखिए सॉल्यूशन करते हैं फट सके, 300 × 21.5 × 16 देखिए इसका वैल्यू दे रहा है हम लोग को 10.3200 इतना न्यूटन, और इसको हम लोग बढ़ा सकते हैं 103.2 किलो न्यूटन। देखिए सियर और बियर निकल गया, अब यहाँ से हम लोग इसका रिबेट वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक, कि इसका रिबेट वैल्यू कितना है, तो रिबेट वैल्यू कैसे निकलता है, जो सियर और बियर में जो मिनिमम होता है वही रिबेट वैल्यू कहलाता है। तो देखिए इसमें मिनिमम कौन है, सियर स्ट्रेंथ 72.610 किलो न्यूटन, बियर स्ट्रेंथ 103.2 किलो न्यूटन, तो इसमें मिनिमम कौन सा है, सियर स्ट्रेंथ हो रहा, तो रिबेट वैल्यू कितना हो जाएगा 72.610 किलो न्यूटन। तो यहां से हम लोग आगे लिख सकते हैं कि रिबेट वैल्यू बराबर, रिबेट वैल्यू बराबर देखिए ये 72.610 इतना किलो न्यूटन। चलिए रिबेट वैल्यू तो हम लोग को निकल गया, एक और चीज हम लोग को निकालना था, एक और चीज हम लोग को निकालना है इफिशियंसी। देखिए इफिशियंसी के लिए हम लोग को निकालना होगा कि इफिशियंसी के लिए हम लोग को फिर टियर स्ट्रेंथ भी निकालना पड़ता है, क्योंकि उसमें भी अब निकालना पड़ता है कि जो अब तीनों स्ट्रेंथ में से कौन मिनिमम होता है। तो दो स्ट्रेंथ तो निकाल चुके हैं सियर और बियर, तो अब टियर में टियर निकालेंगे, इसके बाद बात करेंगे इफिशियंसी कैसे निकलेगा। अब देखिए टियरिंग स्ट्रेंथ, तो टियरिंग स्ट्रेंथ निकालना है, हम लोग निकालेंगे टियरिंग स्ट्रेंथ पर पिच में। देखिए विड्थ हम लोग को दिया हुआ नहीं है, विड्थ मालूम नहीं है, तो हम लोग पर पिच में दिए निकालेंगे। और देखिए पर पिच के लिए न्यूमेरिकल में दे रखा है कि पर पिच डिस्टेंस लिखे हैं कहीं, सॉरी नहीं लिखे हैं, तो हम लोग को दे रखा है कि पर पिच डिस्टेंस हम लोग को दे रखा है 9 सेंटीमीटर, तो इसको mm में चेंज कर देते हैं तो 90 mm हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग पर पिच में बात करेंगे, तो निकालते हैं टियरिंग स्ट्रेंथ, और टियरिंग स्ट्रेंथ आप लोग जानते ही हैं कि सेक्शन पे निकलता है, सेक्शन काट के निकलेगा, हर एक सेक्शन पे निकलेगा, बियरिंग और सियरिंग जैसा नहीं निकलता है, टियरिंग हर एक सेक्शन पे निकलता है, ये याद रखिएगा। तो टियरिंग स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या आता है, सिग्मा ATP − NdgT। ठीक, सिग्मा एटी मतलब टियरिंग स्ट्रेंथ, पी मतलब पिच डिस्टेंस, एन मतलब नंबर ऑफ फॉल, डीजी मतलब ग्रॉस टायर, टी मतलब थिकनेस ऑफ प्लेट। तो देखिए सबकी वैल्यू दे रखा है, सिग्मा एटी 100 mm दे रखा है, 100, पी पर पिच डिस्टेंस दे रखा है 90 mm, 90 माइनस एन मतलब यहाँ नंबर ऑफ फॉल, देखिए नंबर ऑफ फॉल एक ही है, मतलब एक ही को रिबेट के लिए हम लोग बात कर रहे थे, तो नंबर ऑफ फॉल 1 × DG है 21.5 × थिकनेस, थिकनेस के लिए भी वही प्रोसेस रहेगा जो हम लोग पहले यूज किए बियर में निकालने के लिए, तो थिकनेस कितना रहेगा 16 mm बराबर, इसको हम लोग यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं, तो देखिएगा सॉल्यूशन करते हैं 90 − 21.5 × 16, ये हम लोग को वैल्यू दे रहा है 9601096 00 इतना किलो न्यूटन, इतना न्यूटन, इसको किलो न्यूटन चेंज करते हैं तो 1, 2, 3 मतलब 109.6 किलो न्यूटन।
टियरिंग स्ट्रेंथ भी निकल गया। अब हम लोग यहाँ इफिशियंसी निकाल रहे हैं। इफिशियंसी में टियरिंग स्ट्रेंथ, शियरिंग स्ट्रेंथ और बियरिंग स्ट्रेंथ में जो मिनिमम वैल्यू होता है वो बटा स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट मतलब सिग्मा ए टी इंटू, देखिए पर पिच में निकाल रहे हैं तो पर पिच या पूरा विड्थ रहेगा, मतलब पूरा विड्थ रहेगा तो पूरा विड्थ जो दिया रहेगा वो इंटू टी थिकनेस, ठीक, इंटू इधर रहेगा 100 क्योंकि इफिशियंसी निकाल रहे, इफिशियंसी परसेंटेज भी रहता है। अब देखिए टियरिंग स्ट्रेंथ, सियरिंग स्ट्रेंथ और बियरिंग स्ट्रेंथ में कौन मिनिमम है, देखिए सियर स्ट्रेंथ है 72.610 और बियर स्ट्रेंथ है 103.2 और टियर स्ट्रेंथ है 109.6। तो सबसे कम हमको तो लग रहा है कि सियर स्ट्रेंथ है, सियर स्ट्रेंथ तो सबसे मिनिमम सियर स्ट्रेंथ है। सियर स्ट्रेंथ कितना 72.610 किलो न्यूटन में है, तो इसको हम लोग न्यूटन में चेंज कर देंगे। तो देखिए इस ऊपर कितना हो जाएगा, 72.610.06 बटा सिग्मा 80। देखिए सिग्मा 80 है 100 इंटू पी या बी में से कौन दिया हुआ है, हम लोग का पर पिच दिया हुआ था 90 mm, पर पिच 90 इंटू थिकनेस, थिकनेस वही 16 mm, यहाँ देखिए यहाँ 16 mm दिया हुआ, तो 16 mm इंटू 100, ये से ये कैंसल, ये हम लोग को परसेंटेज में देगा। अब इसका वैल्यू हम लोग निकाल देते हैं, तो देखिएगा वैल्यू आता है कितना, 72.610.06 बटा 90 इंटू 16 बराबर हम लोग का वैल्यू दे रहा है 50.42%, इतना इफिशियंसी है, इफिशियंसी निकल गया, रिबेट वैल्यू भी निकल गया। तो जो हम लोग को निकालना था वो दोनों निकल गया, जो क्योंकि क्वेश्चन में बोला था कि स्ट्रेंथ या रिबेट वैल्यू और इफिशियंसी निकालने के लिए, तो दोनों निकल गया। आई होप अगर वीडियो अच्छा लगा हुआ होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, शेयर करना भूलिएगा मत, अगर वीडियो पूरा देख रहे हैं तो शेयर कीजिए और पूरा तो देखिए, जरूर देखिए क्योंकि DSS है, इसमें पूरा देखना ही पड़ेगा आप लोग, इसलिए पूरा देखिए वीडियो, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए औरों को सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि आप लोग तो शेयर करते नहीं हैं, हमसे केवल मेहनत करवा रहे हैं, इसलिए शेयर कीजिए तभी आपको भी फायदा होगा, हमको भी फायदा होगा, क्योंकि आप शेयर कीजिएगा तो हमको भी मन लगेगा पढ़ाने में, बताने में, क्योंकि वही हम लोग का मोटिवेशन होता है कि हाँ लड़का लोग को समझ में आ रहा है, भाई लोग को समझ में आ रहा है, दोस्त लोग को समझ में आ रहा है, इसलिए शेयर कीजिए जरूर। थैंक यू।